के कुछ भी ना हो, धन दौलत रुपया पैसा कुछ ना, अगर मर देख प्यार मिले ना तो मेहनत आदमी से डर के कुछ भी नहीं है। हम तो यही जानते हैं अपना पति है तो समझ लीजिए सब सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। बस अपना पति चाहे तो चूतिया ना पढ़ ले ना बट इनका चूतिया ना इन मालती। चले जाने दीजिए, वो आप ही के लिए कर रहे हैं ना, या हमारे लिए कर रहे हैं तो क्यों ही अपने पत्नी से छुपाता है ना। ये तो सही है, छुपाता नहीं। कमा के आवला दिन में कमा के आवला रात तक लाके अपने मेरा रूप पैसा दे देला का। ये सही है कि अगर अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो आप भी जेल जाएंगे, अर्जुन को भी। आपको लगता है कि हम अर्जुन से मतलब ये हो तो अर्जुन भी जेल जाएगा, आप भी जेल जाएंगे। और भिजवाएगी मालती चौहान, आप लिखवा लीजिए मुझसे, आपको लास्ट बार चेतावनी दे रही हूँ। प्यार से समझते हैं तो समझ जाइए। तो कुछ कुत्ती कुत्ते और कुत्तियों का कहना है कि मालती मर गई, बहुत ही अच्छा हो गया। एक बात बोले, आप लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है मालती मर गई, किसी का घर उजड़ गया, किसी किसी का बच्चा बिना माँ का हो गया, आप लोगों को खुशी सूझ रही है। ये एक कुत्ता है जो कि क्या नाम होगा कुकुरा का, जायदा नाम ले ले इसको फायदा होगा। हाँ दोस्तों, समीर चौधरी नाम है उस कुत्ते का, जो कि वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा है। और उसकी एक मुंह बोली बहन भी थी जिसका नाम शायद रेनू है, जो कि टैटू वाली है, ठीक है। उसका तो भौंकना बंद हो गया, देखिए कल इंटरव्यू दी है लेकिन कल कुछ बोली नहीं है। उस दिन क्या हुआ था, जो चप्पल उठा रही थी, अपने भाई को बोल रही थी कि हमारा भाई, एक बार हमारे गोरखप्रिया भौजी को बोल रही थी कि हमारा भाई बहुत ही छक्का है कि मर्द है, तेरे पास जाएगा, तेरी तीन बेटियां हैं, एक दर्जन बच्चा पैदा कर दे। तो खुद पे जब आया कि खुद पहले खुद करके देख लो, एक दर्जन बच्चा पैदा उसके बाद किसी और के पास भेज दा, देखते हैं उसमें दम है कि नहीं, या पहले खुद ट्राई करती उसकी बहन, उसके बाद गोरखपुरिया भाभी के पास भेजती, तब उसके बाद हम लोग उसको देख लेते। लेकिन ये कुत्ता कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है और बोल रहा है कि ये है वो है। तो एक बात बता देगा, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी माँ के साथ अगर ऐसा होता, तुम्हारी जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ को तुम्हारा बाप रोज मारता, रोज गालियाँ देता, रोज उसको उत्पीड़ित करता, तो बताओ क्या करती तुम्हारी माँ। आज मालती पे पड़ा है तो मालती पे हजारों लोग उंगलियां उठाने के लिए तैयार है, ये है वो है। अकल को जब कहते हैं ना, जब खुद पे पड़ता है ना तब पता होता है। दूसरे का दर्द तो किसी को पता नहीं चलता है कि इंसान किस दर्द में जी रहा है, और मालती किस दर्द में जी रही है। आप लोग वीडियो, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख करके आप लोगों को पता लग गया होगा कि हाँ मालती क्या कह रही थी, किस दर्द में जी रही थी। हम ये नहीं कहते कि विष्णु राज कातिल है, लेकिन हाँ अगर मालती खुद खुशी भी करती है तो वो सबसे परेशान होके करती है, ठीक है। और मान लीजिए दम घुट के मरी है तो आखिर में क्या है, किसी ने तो उसको मारा ही है, चाहे जो भी मारा हो लेकिन मारा है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि सजा तो सबको होनी चाहिए। एक वकील थे जो कि बोल रहे हैं कि हमारा जो मतलब विष्णुराज के वकील बोल रहे हैं कि एक ना एक दिन विष्णुराज जेल का ताला तोड़ के बाहर आएगा। देखिए विष्णुराज भी गलती किए हैं, सरासर गलती किए हैं। क्यों गलती की, आप लोग जो बोल रहे हैं कि आज उसका घर उजड़ गया और लोग मजा ले रहे हैं, तो मजा लिवाने वाला कौन है, विष्णुराज ही है मजा लिवाने वाले ना। किसी की औकात तो नहीं थी कि मालती को कोई उल्टा पलटा बोल देता और उसकी इज्जत का धजिया उड़ाता, किसी की औकात नहीं थी। लेकिन औकात दिलाया किसने, विष्णुराज चौहान ने। क्या किया आप लोग वीडियो में, पहले जब पहला मैटर उठा था तब आप लोग देखे ही थे कि अगर उसकी बीबी किसी से बात कर ली तो उसको ये जो राहुल चौरसिया है ये रिकॉर्डिंग कर लेता है, रिकॉर्डिंग करके विष्णु के पास भेजता है। और विष्णु क्या करता है, बोलता है कि हमारी बीबी भाग गई, और जो कि उसकी बीबी भाग ही नहीं थी, ये राहुल चौरसिया जो है उसके मायके ले जा करके मालती चौहान को छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मतलब विष्णु वीडियो डालते हैं कि हमारे बीबी भाग गई, जबकि मालती चौहान कहीं भागी नहीं थी, वो अपने मायके में थी और अपने मायके से वीडियो बना के डाल रही थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब वीडियो देखते हैं तब मालती का भी देखते हैं, विष्णु का भी देखते हैं, उसके बाद मालती की तरफ से हम लोग वीडियो बनाते हैं कि मालती दोस्तों भागी नहीं है, मालती अभी अपने मायके में आई है। सरेआम बेमतलब का मतलब मालती को बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें भी लगता था कि ये व्यूज का खेल है और कुछ नहीं, हकीकत नहीं लगता था, क्योंकि ड्रामा जो था बहुत पहले से चला आ रहा था, आज का ही नहीं था, बहुत पहले से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज
ये करना वो करना, मतलब बहुत बहुत दिनों से ये सब चल रहा था। तो दोस्तों किसी देखिए एक बार दो बार कहते हैं ना, जब हम अगर मान लीजिए ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे यार, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, पब्लिक तो देख ही रही है। और लास्ट में क्या होता है, जब वही चीज़ हमारे साथ हकीकत कोई एक कहानी सुनाती है आप लोगों को कि एक कोई लकड़हारा था ना, रोज बोलता था कि बाघ आया बाघ आया बाघ आया, है ना। लेकिन दोस्तों कभी बाघ नहीं आता था, झूठ फूर में लोगों को डराता था। आ एक दिन अचानक से बाघ आ जाता है, उसको खा जाता है। फिर भी वो बोलता चिल्लाते रहता कि बाघ आया बाघ आया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता है और उसको बाघ जो होता है मार डालता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ कहानी थी जो कि मतलब ऐसे ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। तो कुछ कुछ जब मालती से हमारी बात हुई है तब हमको लगा हाँ ये सही बात है। तो दोस्तों विष्णु क्या करते हैं, अपनी अपनी भी देखिए अपनी, अब हमारी इज्जत तो इनकी इज्जत हुई, इनकी इज्जत तो हमारी इज्जत हुई, क्योंकि हम दोनों रिश्ते के बंधन में बंधे हुए हैं। मान लीजिए हमको कुछ होता है तो इनको तकलीफ होगा, इनको कुछ होता है तो हमको तकलीफ होगा, क्योंकि हम दोनों लोग बंधे हुए हैं, मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर इनकी बीवी किसी से बात कर ली, मानते हैं कि वो गलती की, ठीक है बहुत बड़ी गलती है, छोटी सी गलती नहीं है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे लाने की क्या जरूरत थी, नहीं ना लाना चाहिए था। मान लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग हुआ तो कॉल रिकॉर्डिंग का क्या होता है, ये राहुल भी बहुत सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा जग जीत लिए हैं, ठीक है ये सोचते हैं हम बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, बहुत बड़ा जग जीत लिए हैं, जो कि इनको विष्णु को समझाना चाहिए। दोस्तों उस वक्त समझाना चाहिए लेकिन लोग नहीं समझाए, क्या बोलते थे, कोई बोलता था विष्णु गलत है, कोई बोलता था मालती गलत है, समझाने वाला तो कोई नहीं था कि एक दूसरे को समझाया जाए और समझा करके मिला लिया जाए। तो दोस्तों ऐसा होता है तो उसके बाद ये वायरल कर देते हैं, उसके बाद मालती भी वीडियो बना के डालती है कि वो मेरा भाई है। और उसके बाद गोरखपुरिया भौजी को मालती सपोर्ट करने के लिए कहती हैं, गोरखपुरिया भौजी अपने से नहीं आती हैं सपोर्ट करने, मालती जब कहती हैं तब गोरखपुरिया भौजी सपोर्ट करने के लिए आती हैं। और जब गोरखपुरिया भौजी सपोर्ट करने के लिए आती हैं तो मालती उनके घर जाती है मदद मांगने के लिए। और जब मालती घर जाती है, बताइए दोस्तों अगर मालती को प्यार नहीं होता अपने पति से, तो जब गोरखपुरिया भौजी बोली कि तुम्हारे पति को हम जेल भेजें, तो मालती कहती है कि नहीं भाभी जेल मत भेजिएगा, ऐसे ही बुला करके समझा दीजिएगा। वो मालती जो अपने पति का इतना केयर कर रही है, बताइए इतना बेइज्जती करवाने के बाद भी बोल रही है भाभी से कि आप हमारे पति को जेल मत भेजवाइएगा, ऐसे ही बुला के समझा दीजिए। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में जाते हैं, उधर से विष्णु को भी बुलाती हैं भाभी, और दोनों लोगों को अच्छी तरह से समझाती हैं। जो कि दोनों लोगों को जब अच्छे तरह से समझाती हैं उसके बाद क्या होता है कि दोनों घर आते हैं। भाभी बोलती है कि ठीक है, जब दोनों में सुलहनामा हो जाता है, वहां तक का दोस्तों देखिए मिठाई भी बांटा गया था, वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे, जब भाभी सुलहनामा का दोनों लोगों को मिला देती हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उनको क्या पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। उसके बाद वो मिला देती हैं दोनों को और दोनों आते हैं घर, जो कि मालती चौहान अपने मायके आती है और उसके साथ साथ विष्णु भी आता है। और दोनों में क्या होता है, पता नहीं क्या बकझक होता है। उसके बाद मालती चौहान का जो भाई निरहुआ है वो भी सोने चला जाता है और उनकी भाभी भी सोने चले जाती हैं। सोने चले जाने के बाद फिर पता नहीं ये क्या दोनों में खिचड़ी पकती है, जो कि कार में जा करके दोनों अपने आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उसके बाद आते हैं मंदिर, और मंदिर में आने के बाद हो जाता है अर्जुन का और मालती का शादी। कहने में ये आता है कि विष्णु कहते हैं कि मालती बोल रही थी कि हम अर्जुन के बिना जी नहीं सकते, अर्जुन के बिना जी नहीं सकते, मालती का ऐसा कहना था, इसलिए विष्णु राज जो है अपने आंखों के सामने विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में वो भी 12 बजे रात को शादी करवा देते हैं। उसके बाद दोनों का शादी करवाते हैं और शिवलिंग जो होता है उस पे हाथ रख के दोनों को कसम भी खिलाते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहिएगा। ऐसा पति, कलयुग का पति है ये, कलयुग का पति। उसके बाद कसम खिलाने के बाद क्या होता है कि मालती जो होती है चली जाती है अपने बहन के घर, शांति के घर, और ये अर्जुन जो होता है ये पता नहीं कहाँ जाता है, इसका तो इससे तो हमारी कभी बात ही नहीं हो, तो दोस्तों हम क्या बताएं। वो अपने घर चली जाती है। कल उसके बाद वीडियो आता है कि मालती चौहान ने कर लिया
नहीं शादी कर लिया वो भी अर्जुन के साथ, और शादी करवाने वाला खुद उसका पति विष्णु राज है, कोई और नहीं बल्कि उसका पति विष्णु राज है। उसके बाद ऐसा वीडियो आता है दोस्तों, उसके बाद हम लोग खुद हड़बड़ा जाते हैं, इतना ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि साला दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि हम वीडियो किसके तरफ से बनाए, अब मालती के इंसाफ के लिए लड़ें या फिर क्या करें, कुछ दिमाग ही नहीं काम करता। और जो जो मतलब उनके मैटर में पड़ा था, जो जो चाह रहा था कि ये मियाँ बीवी का जो मैटर है शांत हो जाए, और दोनों का अभी थोड़ा ही इज्जत गया है और बच्चा का बच्चा रह जाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके बाद फिर वीडियो पड़ता है कि हम शादी करवा दिया, दोनों लोग खुश रहे। फिर दोस्तों मालती चौहान जो है वीडियो बना के डालती हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन हम अर्जुन के साथ रहेंगे, उनकी बीवी अगर एक रोटी खाती है तो हम आधी रोटी खाएंगे, जो भी हम कमाएंगे उनको हम देंगे, और वो जैसे भी रखना चाहती हैं हमको रख सकती हैं। दोस्तों ऐसा कुछ वीडियो आता है मालती चौहान का, जो कि आप लोग देखे होंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक दिन बीतता है, तीसरे दिन क्या होता है कि विष्णु चौहान जो विष्णु राज वो अपने बेटे के लिए रोते हैं, खूब रोते हैं, रो रो करके शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि हमारे बेटे की हमको याद आ रही है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती है दोस्तों एक दूसरे के बीच में, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, हम भी वीडियो बनाए थे, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो उसके बाद हम मालती से, मालती का फ़ोन आता है हमारे पास, मालती का फ़ोन आता है, उसके बाद हम मालती से बात करते हैं। मालती से बात करने के बाद पता चलता है, फिर बहुत लोगों का, बहुत सारे लोग थे कि नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि नाजायज फ़ायदा उठाते हैं मालती का। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि जो हुआ सो हुआ, चलो उधर अर्जुन कहता है कि हम मालती के साथ रहेंगे, अगर मालती हमें नहीं मिली तो हम अपना और अपने बीवी का, अपने बच्चे का आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों ऐसा होता है, फिर मालती को तीन दिन पहले घर, जब युवराज को घर लाया जाता है, जब विष्णु युवराज को घर लाते हैं मालती भी आती है, लेकिन मालती को छुपाया जाता है कि मालती घर नहीं आए, बल्कि मालती दो दिन या तीन दिन पहले ही घर आती है। आप लोग, उनकी मौसी बोली थी कि तीन दिन पहले आई थी, तो आप लोग देखिएगा वीडियो, हम जो भी हमको मालूम है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद आती है, उसके बाद जिस दिन आती है दोस्तों, उसके बाद दो दिन रहती है, तीसरे दिन क्या होता है कि ये भी मालती मतलब तीसरे दिन वीडियो डालती है कि दोस्तों हम अपने घर आ चुके हैं, और अगर हमको कुछ होता है तो उससे जिम्मेदार विष्णुराज होंगे, ठीक है। उसके बाद रात में सोती है, पता नहीं बेचारी खाई पी थी कि नहीं, क्या की थी क्या नहीं, अब भगवान ही जानेंगे। उसके बाद सुबह सुबह में दोस्तों क्या संदेश आता है कि मालती चौहान नहीं रही। तो दोस्तों वीडियो ही पेंट करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया क्योंकि लोग दोष दे रहे थे, और कल बताएंगे, और जितना भी हमको पता था उतना आप लोगों को हम बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कमेंट में, इसलिए हम बता दिए दोस्तों। तो माफ कीजिएगा, बाय बाय, लव यू।